नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 8 अप्रैल के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1801 को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में हुई हिंसा में 128 यहूदियों की मौत हुई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1831 को प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुँचे थे। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1857 को विद्रोह के सिपाही मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1912 को नील नदी में जहाज़ों के आपसी भिड़ंत में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ववर्ती संगठन लीग ऑफ नेशंस की आखिरी बैठक हुई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1950 को भारत पाकिस्तान ने भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से समझौता किया था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1959 को कंप्यूटर इंजीनियरों ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल तैयार करने के लिए बैठक की थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1961 को ब्रिटिश जहाज दारा के फारस की खाड़ी में गिरने से 240 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1964 को जेमिनी फर्स्ट लॉन्च किया गया था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1985 को भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा कश्मीरी युद्ध शुरू हुआ था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1988 को जनरल वेंग सांग कुन चीन के राष्ट्रपति चुने गए थे। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1993 को मैरेडोनिया गणराज्य संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 2003 को अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का पता लगाने के लिए बगदाद में बम बरसाए जिसमें अनेक नागरिकों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 2008 को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने सिखों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक घोषित किया था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 1999 को चीन द्वारा धान की भूसी से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 2005 को वेटिकन सिटी में मरहूम पोप को अंतिम विदाई दी गई थी। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 2001 को बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने के लिए विधेयक पारित हुआ था। दोस्तों आज के दिन 8 अप्रैल 2008 को ईरान ने अपने यूरेनियम प्लांट में 6000 नए सेंट्रीफ्यूगल्स लगाने का कार्य शुरू किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।